आज आप इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि मीन डाइट मेथड से किस प्रकार से निकालेंगे। मीन में आप लोग जानते हैं कि तीन तरह का सीरीज होता है, इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिर्फ एक्स होता है, डिस्क्रीट सीरीज जिसमें एक्स और फ्रीक्वेंसी होता है, और कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें क्लास और फ्रीक्वेंसी होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायट मेथड से ही हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग डायट मेथड से किस प्रकार से मीन निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग का इस तरह का रहेगा। डायट मेथड में देखिए डायरेक्ट मेथड में हम लोग का मीन देखिए इस तरह से रहेगा। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज मतलब सिर्फ एक्स रहेगा। इंडिविजुअल सीरीज इसमें सिर्फ एक्स रहेगा। क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, इस तरह रहेगा। फाइंड मीन 10, 20, 30, 40 एंड 50 कुछ भी हो सकता है। इसमें हम लोग का कुछ भी हो सकता है। हम 10, 30, 40 दिए, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, मीन इक्वल टू होता है फॉर्मूला सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। सिग्मा मतलब टोटल, किसका टोटल, तो एक्स का ऐड कर दीजिए। 10, 20, 30, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय एन मतलब काउंट कीजिए इसको, 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, इसको ऐड कर देंगे। 150 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, 30। तो क्या है, हम लोग को डायट मेथड में क्या करना है, इंडिविजुअल सीरीज में जितना भी हम लोग का रहेगा सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड करने के बाद जितना नंबर ऑफ टर्म या आइटम जो भी रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा फिर के मीन हम लोग का आ जाएगा 30। तो डायट मेथड में हम लोग इंडिविजुअल सीरीज की का क्वेश्चन आप लोग से अब क्या होना चाहिए, बन जाना चाहिए। अब इसके बाद देखिए एक्स और एफ का क्वेश्चन जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज में क्या रहेगा, एक्स और एफ ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दिया हुआ रहेगा। तो एक्स एफ इस तरह से हम लोग का दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना है, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना है। एक्स और एफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20, 80, 90, 40 और 250। इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर दो 20, 80, 90, 40, 250, 480। एक बार एट दोबारा ऐड कर लेंगे, गलती हो सकता है। 480 आया। हम लोग इसमें मीन किस तरह से निकालेंगे, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब टोटल, एक्स एफ का टोटल, तो एक्स एफ का टोटल कितना है, 480 डिवाइडेड बाय 15। पॉइंट में भी आ सकता है 32, इसमें नहीं आया लेकिन आप लोग बनाइए तो पॉइंट में भी आ सकता है। तो इसमें हम लोग को कैसे याद रखना है, तो हम लोग इसमें याद रखना है कि एक्स और एफ दिया हुआ रहेगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करके लिखना है। कभी भी भूल जाएगा तो यहाँ से पता चल जाएगा, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करके। तो ये डायरेक्ट मेथड में क्या हो गया, डिस्क्रीट सीरीज। इसके बाद बताने जा रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज। अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग का क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मिड वैल्यू। क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू जिसको बोलते हैं एक्स। कैसे निकालेंगे, तो मिड वैल्यू हम लोग निकालते हैं L1 मतलब लिमिट 1 प्लस लिमिट 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब ये लिमिट 1 हुआ, ये लिमिट 2 हुआ। 0 प्लस 10 हुआ डिवाइडेड बाय 2 5, 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाय 2। अब 10 का इंक्रीज हो रहा है ना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर करके लिखिए। उसके बाद देखिए हम लोग का पिछला फॉर्मेट में आ गया क्वेश्चन, एक्स और एफ हम लोग जैसे अभी इसमें बनाए थे डिस्क्रीट सीरीज में, हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये दोनों को। इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे ठीक है। ऐड करने के बाद फॉर्मूला को लिखेंगे, 10 प्लस 60 प्लस 150 280 प्लस 225 725। उसके बाद मीन इक्वल टू होगा सिग्मा एक्स एफ डिवाइडेड बाय एफ। सिग्मा एक्स एफ, तो एक्स एफ हम लोग कितना आया, डिवाइडेड 25
29 आ गया समझ में। तीनों सीरीज आप लोग को अच्छा से, इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि क्लास और एफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग को मिड वैल्यू निकालना है, उसका जो मिड वैल्यू आएगा ना उसको फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद हम लोग को इसको ऐड कर देंगे और फ्रीक्वेंसी को ऐड करके क्या करेंगे डिवाइड। तो सबसे ईजी है डायरेक्ट मेथड, इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, जहाँ भी दिक्कत होगा वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए यूट्यूब का चैनल को, अनूप कॉमर्स क्लासेस के नाम से बना हुआ मेरा यूट्यूब चैनल।